रीवा मध्य प्रदेश में आज सेन समाज द्वारा विवेकानंद पार्क में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में सहभागी अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष एसपी, वरिष्ठ नेता नेत्यू लाल सेन, वहीं सेन समाज द्वारा बताया गया कि जिस तरह से चीनी सेना हमारे सेना को मौत की घाट उतारा है, यह बहुत दुखद घटना है जिसका हम निंदा करते हैं एवं पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आज वही अपने जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विवेकानंद पार्क में एकत्रित हुए हैं। वहीं सेन समाज ने शहीद के परिवारों को आर्थिक मदद देने की सरकार से गुहार लगाई है एवं सेन समाज ने चीन के राष्ट्रपति और चीन सामानों का बहिष्कार करने की बात कही। इस श्रद्धांजलि सभा में सेन समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं स्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हाँ बताएं, आज सेन समाज रीवा गलवान घाटी के 20 जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। उसमें हमारे संभागीय अध्यक्ष सम्माननीय ब्रजेश सेन जी, जिला उपाध्यक्ष सूबेदार एचपी सेन जी, हमारे डॉक्टर आरआर सेन साहब जो सैनिक स्कूल से हैं, हमारे वरिष्ठ नेता नथुलाल सेन जी, दिलीप सेन जी, सीपी सेन जी और मुरली सेन जी, विक्रम सेन जी और सारा हमारा सेन समाज जो एकत्रित हुआ है कि चीन ने गलवान घाटी में हमारे इन सपूतों को धोखा दे करके और मौत के घाट उतारा है, उसका विरोध और दूसरा हम अपने जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन वीर सपूतों को शांति के लिए आत्मा की शांति दे और इनके परिवार को तरक्की दे और उन दुश्मनों को, उन चैनावासियों को नाश करें जिसने कि हमारे इन सपूतों को धोखा दे करके मौत के घाट उतारा है। मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि चीन के राष्ट्रपति और चाइना के सामान का बहिष्कार करें जिन्होंने ये चीज़ का धोखा दे करके इन हमारे सपूतों की जान लिया है। एक बार फिर मैं इन सपूतों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए पूरे समाज के साथ भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनके आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को तरक्की दे और विकास दे। जय हिंद, जय भारत। नाम और पद बता दीजिए एक बार। मैं कैप्टन एसआर नापित, जिला अध्यक्ष सेन समाज रीवा।